चलो, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास में लोग कलर का रीजन पता कर रहे थे, ठीक है? तो आप लोग को हम समझा चुके हैं जो डी सबसेल होता है दो पार्ट बढ़ जाता है, ठीक है? आपके ईजी सेल और टी2जी लेवल पे, ठीक है? तो अब पॉइंट है, आपका जो इलेक्ट्रॉन है लोअर लेवल से जब हायर में जंप करेगा तो यहाँ पे एक एनर्जी का गैप है। इस गैप के लिए क्या होगा, आपका फ्रिक्वेंसी को ऑब्जॉर्ब करता है, ठीक है? और जो ऑब्जॉर्ब फ्रिक्वेंसी करेगा जनरली क्या होता है, विजुअल रीजन लाइक करता है, और उस लाइट का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो हमको दिखता है, ठीक? तो आपको याद रखना है। इसमें और क्या ऐड करना है आपको, ध्यान देना, इसमें कुछ कलर्स होगा, यहाँ पर टेबल दिया होगा, कुछ कलर्स होता है, कलर्स को आपको याद रखना है। तो कलर ऑफ सम फर्स्ट रो एक्वस, यानी एक्वस सॉल्यूशन में जो कलर होता है आयंस का वो बताया हुआ है। तो ध्यान देना, जो अगर मान लेते हैं स्कैंडियम+3, तो स्कैंडियम+3 में यार कोई कलर नहीं है, क्यों नहीं है? तो सर रीजन समझोगे, आपके पास अगर मान लेते हैं कि दो एनर्जी लेवल है टी2जी और ईजी, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ना जंप करेगा। अगर मान लेते हैं स्कैंडियम और टाइटेनियम में देखोगे +4 शीट में, आपका डी में तो इलेक्ट्रॉन ही जीरो है, तो डी में इलेक्ट्रॉन जीरो हो, ध्यान देना, डी में इलेक्ट्रॉन जीरो हो या डी में इलेक्ट्रॉन 10 हो, दो ऐसा केस होता है जिसमें ऐसा कुछ होगा नहीं, जिसमें ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है? क्योंकि जब डी में जीरो होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप के लिए अवेलेबल नहीं है, और डी में 10 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन होते हुए ऊपर जगह खाली नहीं है, स्पेस खाली नहीं है, तो जंप कहाँ लेगा? आपके हायर लेवल में जगह तो खाली होना चाहिए ना, डिटेन में तो क्या होगा, पूरा फुल पैक रहेगा, तो नीचे से जंप लेने के लिए पॉसिबल ही नहीं है। इस प्रोसेस को बोलते हैं शॉर्ट में डी ट्रांजिशन। ये चीज ध्यान देना, आपसे पूछेगा कि ट्रांजिशन मेटल कलर क्यों शो करता है, तो पहले आप ले दोगे डी ट्रांजिशन, क्या लिखोगे? तो इतना लंबा जो मैं एक्सप्लेनेशन पहले दिए थे उससे बेटर वर्ड आप यूज करोगे डी ट्रांजिशन। तो आप पहले एक वर्ड लिख देना कि ट्रांजिशन मेटल शो कलर ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ठीक है? इसमें कौन ही कलर शो करेगा, तो D0 और D10 नहीं शो करेगा, ये कलर नहीं शो करता है, ठीक है? उसके बाद एक्सप्लेन करना, उसके बाद एक्सप्लेन करना कि जो एक्सप्लेनेशन लोग पढ़े थे उसको उसके बाद एक्सप्लेन करना आपको, ठीक है? तो जब भी एक कलर पूछा जाएगा तो एक चीज आप तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं हम लोग थोड़ा पे, कि जब हमको बोर्ड्स में कैसे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड्स में आपको क्या ध्यान देना है, जब भी बोलते हैं हमको कलर फॉर्म कर रहा है तो पहला शब्द ले दोगे ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, उसके बाद आप बताओगे ये सारा बात जो भी बात कर रहे हैं, ठीक है? और डी ट्रांजिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि डी का दो लेवल हो चुका है, एक एक क्या है ईजी है और एक क्या है टी2जी है, ठीक है? तो ये डी से डी में जंप ले रहा है, इसे इसको बोला गया है ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। इतना हम कह रखना है, डी ट्रांजिशन कब नहीं होता है, तो जब D0 हो और जब D10 हो, उस केस में डी ट्रांजिशन नहीं होता है, ठीक है? जब आपका D0 आयन होगा और D10 आयन होगा तो वहां पे कलर शो करेगा, वहां पे आप डी ट्रांजिशन मत बोलना, वहां पे डी ट्रांजिशन मत बोलना। जैसे एग्जाम्पल देखना, आपको हम बताया था कि MnO4- का कलर होता है पर्पल कलर का होता है। पॉइंट है कि पर्पल कलर क्यों होता है, क्योंकि आप यहाँ पे +7 स्टेट है, तो +7 स्टेट मतलब क्या हुआ, D0 केस है, तो MnO4 में आप डी ट्रांजिशन नहीं बोल सकते हो। सिमिलरली Cr2O7-2 का कलर होता है ऑरेंज, इसका ऑरेंज कलर होता है, तो यहाँ पे इसका +6 स्टेट है, यहाँ पे क्या हुआ D0 केस में आ जाएगा। आपका Cr4-2 इसका कलर होता है येल्लो, ये भी होता है D0 केस, ये भी होता है D0 केस। ये सारे केस में आपका डी ट्रांजिशन बोलना गलत है। तो इन सब के लिए हम क्या बोले थे, तो इन सब आप लोग याद होना चाहिए, हम बोले थे ये कलर क्यों शो करता है, ड्यू टू LMCTS लिगिन टू मेटल चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है? तो इन सब में कलर शो करने का रीजन क्या था, LMCTS, ठीक है? लेकिन यहाँ जब बोलेगा कि ट्रांजिशन मेटल का जनरल पार्ट पूछेगा कि आपको कलर क्यों शो करता है, तो आप लाइन आंसर देना ड्यू टू डी ट्रांजिशन, उसके बाद एक्सप्लेन करना, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है? समटाइम क्या होता है, एग्जामिनर इस लाइन को देख के आपको नंबर दे देगा, मतलब ये लाइन देख के मतलब समझ आ जाएगी आप बोलना क्या चाहते हो, ठीक है? वर्ड्स में मिनिमम वर्ड्स में काम करना है, और पॉइंट टू पॉइंट जो है वो बात आपको लिखना है, ठीक है? ये सारा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कलर के बारे में, कलर का जो टेबल है उसमें से कलर आप थोड़ा याद करो तो अच्छा रहेगा, ठीक है? कलर जो याद रहे कर लो तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट कलर जो आपको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, जो आपको याद रखना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए, तो क्रोमियम का +3 स्टेट होता है, वो जनरली ग्रीन कलर का होता है, यहाँ पे वॉलेट लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉलेट याद रखना, ठीक है? लेकिन जनरली होता है क्रोमियम का जो +3 स्टेट होता है ना, उसका कंपाउंड होता है ग्रीन कलर का, तो यहाँ पे ग्रीन भी हम लिख दे रहे हैं, कभी कभी ग्रीन कलर का आपको मैं मार्क करूंगा।
बाकी आपको याद रखना है किसका, एफी का प्लस टू से डायरेक्ट रखना, ग्रीन कलर का होता है ठीक है, निकल प्लस टू से ग्रीन होता है याद रखना, थोड़ा सा कॉपर का प्लस टू से ब्लू होता है याद रखना ठीक है। तो जो कुछ कलर में मार्क करो उसको याद रखना थोड़ा सा। इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे, जो हम लोग कवर करेंगे सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस जब करेंगे तो इसको फिर से हम लोग कवर करने वाले हैं। ये हो जाएगा ट्रांजिशन मेटल का दूसरा प्रॉपर्टी, हम लोग समझ में आ गया। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है ध्यान दें, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो आपका जो ट्रांजिशन मेटल का जो मेटल्स होता है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट वाला कंपाउंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो ये सब जो ब्रैकेट जहाँ बनता है ना उसको बोलते हैं लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आखिर कॉम्प्लेक्स में बनाता क्यों है, तो ध्यान देना इसका रीजन आपको जानना जरूरी है, इसका रीजन सबको जाना जरूरी है। क्योंकि एग्जाम में बस क्या होगा, आपसे पूछेगा कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म करता है, तो आपको बस रीजन लिख देना है। रीजन क्या है ध्यान देना, बोला गया है ट्रांजिशन मेटल जो है एक फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, क्यों, दिस इज ड्यू टू कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयंस, स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयन, देयर हाई चार्ज, देयर हाई आयनिक चार्ज इन देयर। तो दो दो पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट क्या होगा स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयन, सेकेंड पॉइंट क्या होगा देयर हाई आयनिक चार्ज, और थर्ड पॉइंट क्या हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल यानी वैकेंट डी ऑर्बिटल उसके पास अवेलेबल होता है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ठीक है फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, ये थर्ड पॉइंट होगा। ये तीन पॉइंट को पॉइंट वाइज लिखना, पहला पॉइंट लिख देना क्या लिख देना स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयंस, सेकेंड पॉइंट क्या लिख दोगे हाई आयनिक चार्ज, और थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये तीन पॉइंट वाइज करके लिखोगे आपका नंबर फोर मिलेगा आपको ठीक है। तो ट्राई करना है तीन पॉइंट को आपको याद रखना है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। अगला पॉइंट आता है कि ट्रांजिशन मेटल का जो कंपाउंड्स है ठीक है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड छोड़ना, ट्रांजिशन मेटल जो है जैसे बात करते हैं ना कि मैक्सिमम जगह आप देखोगे तो आप क्या करते हो, निकल यूज करते हो या पीडी यूज करते हो या पीटी यूज करते हो या तो आयरन यूज करते हो कैटलिस्ट में। तो ट्रांजिशन मेटल का जो मेटल्स होता है कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करता है, कि क्या होता है जिसको कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने में इसको फेवर करता है, ये पूछेगा आपसे। तो इसके लिए देखो, इसके लिए क्या क्या लाइन पॉइंट्स आपको यूज करना है। तो यहाँ बोला गया, चलो तो कैटलिस्ट की तरह जो इसका एबिलिटी है उसके लिए क्या है, तो इसको बोला गया है देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। यानी आप लोग जानते हो कि जब ट्रांजिशन मेटल होता है उसका मल्टीपल ऑक्सीडेशन से पॉसिबल है, तो जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन से अचीव कर रहा है वो भी उसको हेल्प करता है उसे कैटलिटिक प्रॉपर्टी में ठीक है। तो इसके एग्जांपल भी आपको हम नीचे दिखाते हैं। जैसे यहाँ देखो वैनेडियम का जो पेंटाऑक्साइड है उसको हम यूज करते हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस में, कॉन्टेक्ट प्रोसेस में आयरन जो है आयरन का यूज करते हैं किसमें, हायर प्रोसेस में। निकल को यूज करते हैं कहाँ पे, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में करते हैं। अब ध्यान देना आपको पता होगा कि कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट का सरफेस पे क्या होता है आपका जो रिएक्टेंट है क्या होगा उसमें कैमियोब्स करेगा, ये उसका एडजॉर्प्शन होता है, उसका एडजॉर्प्शन होता है ठीक है। तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल है यानी जो थ्री डी फैमिली है वो क्या करता है, थ्री डी ऑर्बिटल को यूज करता है ठीक है, और अपने अंदर रिएक्टेंट को बाइंड करता है। कैसे करता है, तो कैमियोब्सन, केमिकल एडजॉर्प्शन थ्रू उसको बाइंड करेगा ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है उसे सरफेस पे क्या होता है इंक्रीज कर जाता है ठीक है। और जब एक बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, यानी जब एडजॉर्प्शन होता है कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनर्जी रिलीज करेगा वो रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल्सो वीकनिंग द बॉन्ड्स ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ठीक है। यानी क्या होता है, बॉन्ड को तोड़ने का जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एडजॉर्प्शन के एनर्जी से सप्लाई हो जाता है। आपको जितना तोड़ने के लिए चाहिए था उसको कुछ तो आपको मिल गया एडजॉर्प्शन से, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है घट गया, यानी जो प्रोसेस का जो एक्टिवेशन एनर्जी है, प्रोसेस का जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा लोअर हो जाता है ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोला गया कि ट्रांजिशन मेटल जो आयन है वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, चेंज कर सकता है ठीक है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करेगा तो ज्यादा ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये जो आयरन का प्लस थ्री स्टेट है वो इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। कैसे करेगा ध्यान देना, यहाँ पे आई माइनस आई टू में जा रहा है और एस टू ओ एट माइनस टू जा रहा है एसओ फोर माइनस टू में। इसमें हो क्या रहा है
कि पहले क्या कहते हैं आयरन का जो प्लस थ्री स्टेट है वो आई माइनस को बहता है आई टू में, खुद जाता प्लस टू स्टेट में, खुद जाता प्लस टू स्टेट में, ठीक। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, क्यों बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एफी आई थ्री हम लोग पढ़े हैं, एफी आई थ्री क्या होता है, फॉर्म नहीं करता, अनस्टेबल होता है। यहाँ पे एफी का प्लस थ्री स्टेट होगा और आई का माइनस वन स्टेट होगा, तो एफी आई थ्री बन नहीं सकता, क्योंकि हम लोग अभी पढ़े थे कि एफी आई थ्री एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी जैसा हम लोग हैलोजन्स कवर कर रहे थे उसे आपको बताया भी था कि एफी आई थ्री एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे क्या होगा, एफी का प्लस टू चला जाएगा और आई का आई टू बन जाएगा, ठीक। अब क्या होता है, जो एफी प्लस टू यहाँ ये बना है, एफी प्लस टू क्या होगा, फर्दर क्या होगा, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद को वापस ऑक्सीडाइज कर लेता है और इसको 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 रिड्यूस कर देगा, इसको यहाँ भेज देगा, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं दोनों पार्ट में क्या हो रहा है, एफी अपना मल्टीपल ऑक्सीडेशन से चेंज कर रहा है, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है, रिएक्शन को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो प्रोसेस देखोगे तो शुरू में भी एफी प्लस थ्री था, लास्ट में क्या हुआ, एफी प्लस थ्री, यानी ये कंज्यूम नहीं हुआ है, लेकिन प्रोसेस में बीच में अपने ऑक्सीडेशन से कुछ चेंज कर रहा था, अपने ऑक्सीडेशन से कुछ चेंज कर रहा था। तो इस तरह से इसको आप सोच सकते हो, ठीक है। इस पूरे अगर इन्फॉर्मेशन को अगर हम पॉइंट वाइज मार्क करें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ध्यान देना। तो पहला पॉइंट क्या हो सकता है कि कैटलिस्ट के पास एक तो एडसॉर्प्शन होता है, ठीक है, इसको ध्यान देना, इसको हम पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो पहला तो है कि इसके पास क्या होगा, तो अब इसका एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट पहला पॉइंट हो जाएगा। पहला पॉइंट होगा एक कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड पॉइंट हो जाएगा टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स बनाने का बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या 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 कंडीशन था, तो ऊपर जो कंडीशन था कॉम्प्लेक्स बनाने को डाल देना। अगर कॉम्प्लेक्स बनाने का यहाँ पे बात चल ही रहा है तो यहाँ पे दो पॉइंट यहाँ से ले लेना, और कॉम्प्लेक्स बनाने का जब बात कर तो ऊपर से दो तीन पॉइंट ऊपर से खींच लेना, और तो यहाँ से ले लेना। तो आपका पॉइंट्स अगर बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ से पहला पॉइंट हो जाएगा एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पहला पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ देखो स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन ले लेना। थर्ड पॉइंट क्या ले लेना, हाइनिंग चार्ज ले लेना। फोर्थ पॉइंट ले लेना वैकेंट डिओर्बिटल है जिसमें बॉन्ड बन सकता है, और यानी फिफ्थ पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ले सकते हो। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जब बात करें तो उसके अंदर अंदर ये तीन पॉइंट ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा, तो इसको आप लिख लोगे तो सारे रीजन को आप पॉइंट में डालोगे आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा ऑल अबाउट कैटलिटिव प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा ऑल अबाउट कैटलिटिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान देना, चलो इसका लास्ट प्रॉपर्टी जो है आपके पास दिया हुआ है, तो लास्ट दो प्रॉपर्टी क्या है, तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स। तो ध्यान देना, जब बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टीशियल कंपाउंड का, ध्यान देना, जब डीप ब्लॉक का जब एटम को अरेंज करोगे ना तो बीच में कुछ ना कुछ गैप छूटता है, इसको हम बोलते हैं वॉइड्स बोलते हैं, आप लोग पढ़ोगे सॉलिड स्टेट में वॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो वॉइड का साइज छोटा होता है, छोटा वॉइड साइज का वॉइड्स होता है। ये छोटे साइज का वॉइड में क्यों छोटा होता है, क्योंकि जो डीप ब्लॉक का एलिमेंट्स है उसका साइज अल्कली मेटल से छोटा होगा, तो जब मेटल का साइज छोटा होगा तो उसका जो वॉइड भी छोटा होगा। ये छोटे वॉइड में क्या होता है कि जो छोटे से एलिमेंट्स है जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन, नाइट्रोजन है, ये सब इसमें घुस सकता है, इसमें ट्रैप हो सकता है। तो मान लेते हैं इसमें लोग हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन जैसे छोटे एलिमेंट्स में ट्रैप हो सकता है, ठीक है। तो इसको बोला गया है इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स, इसको बोला गया है इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स, ठीक है। तो जब भी हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे छोटे एलिमेंट, छोटा जो आपका एलिमेंट्स है वो जो ट्रैप हो जाएगा लैटिस में, कहाँ ट्रैप होगा, जो वॉइड्स में, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टीशियल कंपाउंड। तो यहाँ पे इसका कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं होता है, इसके लिए कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं होगा। मान लेते हैं कि वॉइड्स 50 है, अगर 50 वॉइड है, 50 में से ये हाइड्रोजन, कार्बन, जो भी एलिमेंट्स बात है, तो न्यूट्रल, ये सब न्यूट्रल एलिमेंट्स है, ये तो अपनी मर्जी पे है ना कि कितना वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। तो मे भी हो सकता है कि ये वॉइड्स 4 वॉइड को ऑक्यूपाई कर ले, कहीं के 5 वॉइड को ऑक्यूपाई कर सकता है, कहीं के 6 कर सकता है, कहीं 7 कर सकता है। तो इसका जो नंबर कोई फिक्स नहीं होता है, ठीक है, सिचुएशन सिचुएशन वैरी कर सकता है। इसलिए सो क्या बोला गया, ये होता नॉन स्टोकोमेट्रिक, क्या होता है, चलो ये होता नॉन स्टोकोमेट्रिक, इसको कोई फॉर्मूला फिक्स नहीं है, ठीक है। और नहीं आयनिक होता, नहीं कोवलेंट होता है, ठीक है, नहीं टिपिकली आयनिक होगा, नहीं क्या होगा, कोवलेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ आपके पास लिखा हुआ है। अब क्या है कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मेटल का, वो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जीरो होता है, क्योंकि मेटल के फॉर्म में रहता है, क्योंकि होता है मेटल के फॉर्म में रहता है, ठीक। अब ध्यान देना, इसका कुछ अपना प्रॉपर्टी होता है, इसका कुछ अपना प्रॉपर्टी होगा। तो जो इंटरस्टीशियल कंपाउंड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई हो जाता है, मतलब नॉर्मली मेटल से ज्यादा हाई हो जाएगा, ज्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। और इसका मेटालिक, ये जो मेटालिक कंडक्टिविटी हो रही है उसको रिटेन करता है, और केमिकली ज्यादा इनर्ट हो जाता है। इसको आप एग्जाम्पल से सीख सकते हो,
जैसे आयरन है, आयरन का अगर आयरन के लैटिस में अगर कार्बन डाल दे, कार्बन, तो बनता आपका स्टील। तो आयरन में अगर कार्बन डाल दिए, आयरन में कार्बन डाल दोगे तो स्टील बनता है। तो जो स्टील है वो आयरन से, आयरन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इनर्ट होता है, ठीक है। आयरन और स्टील दोनों क्या होता है, दोनों में, दोनों मेटालिक कंडक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। स्टील का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आयरन से ज्यादा होता है। स्टील का मेल्टिंग क्या होगा, आयरन से ज्यादा हो जाता है। तो इसको आप एग्जांपल से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा आपके इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में, ये चीज आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं एलॉय फॉर्मेशन। तो ट्रांजिशन मेटल का एक लास्ट प्रॉपर्टी एलॉय फॉर्मेशन। तो ध्यान ना, एलॉय का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। एलॉय बेसिकली क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉलिड का। एलॉय बेसिकली सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है सॉलिड सॉलिड का, सॉलिड सॉलिड का, सॉलिड सॉलिड। यार सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम। क्या होता है होमोजीनियस सिस्टम, क्या होता है होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम के मतलब के लिए क्या होगा, जब भी कोई दो सॉलिड अच्छे से मिक्स कराया तो कब करेगा, जब कोई गैप, कोई बैरियर नहीं समझ में, यानी कोई उसमें कोई भी बाउंड्री नहीं अपीयर होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों सॉलिड का साइज सेम होगा। मान लेते हैं कि एक का साइज ऐसा है, अब हम चाहते हैं इसमें एक एलिमेंट हम डालें, इसमें चाहते हैं हम एक एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, जिसका साइज क्या है, जिसका साइज सेम ही साइज है। तो अगर मान लेते हैं सेम साइज है, तो आप इसका बॉल हटा के उसको जब प्लेस करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको इजीली मिक्स हो जाएगा। तो एलॉय फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, साइज सिमिलर होना चाहिए, साइज सिमिलर होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल सब सोच सकते हो कि मान लेते हैं कि आपके पास स्कूल में नर्सरी का बच्चा है, नर्सरी के बच्चों के साथ अगर मान लेते हैं क्लास के बच्चों को डाल देंगे, तो कोई भी देख के बता देगा कि कौन सा क्लास का है, कौन सा नर्सरी का है, तो मतलब उसमें एक बाउंड्री अपीयर हो गया। लेकिन नर्सरी के बच्चों ग्रुप में अगर नर्सरी के बच्चों को ही डाल देंगे हम, तो आप बता नहीं पाओगे कौन सा बच्चा कहाँ से डाले हैं, क्योंकि सब क्या होमोजीनियस मिक्स हो गया है। तो सिमिलर कैटेगरी के चीज को डालोगे ना, तो आप मिक्सिंग प्रॉपर अच्छे से होता है। यहाँ पे क्या सिमिलर साइज चाहिए, तो सिमिलर साइज का आइटम रहेगा तो क्या होगा, अच्छे से बनेगा। तो आप लोग पता है कि ट्रांजिशन मेटल का जो जो साइज होता है, ध्यान देना, तो आप अगर उसका पढ़ोगे तो देखो पहले क्या होता है, पहले घटता है, फिर कॉन्स्टेंट, अब फिर लास्ट में बढ़ता है। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, कौन कौन होता है यहाँ पे, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है। हम लोग पढ़े होंगे कि आयरन कोबाल्ट निकल का साइज क्या होता है, नियरली सेम होता है, क्या होता है, नियरली सेम होता है, आसपास होता है। देखना मैक्सिमम अलॉय में आयरन कोबाल्ट निकल को ही लेके मिक्स किया जाता है, ठीक है। मिक्सिंग करने के लिए क्या होता है, मिक्सिंग करने के लिए साइज सिमिलर होना चाहिए। तो चूंकि ट्रांजिशन एलिमेंट का, ठीक है, मैं देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अलॉय आर फॉर्म बाय एटम विद मेटालिक दैट आर विद इन अबाउट 15% ऑफ ईच अदर, मतलब साइज डिफरेंस 15% ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि ट्रांजिशन मेटल का साइज सिमिलर होता है, इसलिए क्या होता है, उसको आप इजिली मिक्स कर सकते हो, ठीक। अब जो अलॉय फॉर्म करता है वो बेसिकली क्या होता है, हार्ड होता है, और उसका ऑफन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो फेरस होला, जहाँ पे आयरन होगा, उसमें क्रोमियम, वैनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि सम अलॉय जो होता है, जिसमें ट्रांजिशनल एलिमेंट के अलावा नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट को भी डालते हैं, जैसे कॉपर एंड जिंक से क्या बनता है, ब्रास बनता है। ब्रॉन्ज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉपर एंड टिन, यानी कॉपर हो गया ट्रांजिशनल मेटल और जिंक हो गया नॉन ट्रांजिशनल मेटल, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप लोग। इसके साथ हम लोग कवर करेंगे कि क्या हो गया हम लोग का, ये ट्रांजिशनल मेटल का सारा प्रॉपर्टी हम लोग कवर कर लिए, ठीक है।